गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू टुडे वी विल लर्न चैप्टर थ्री एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर देर इज़ नो क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है केवल एक्सरसाइज हैं तो आज हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट है द वर्ड ड्विंलिंग मींस बिकमिंग ये एम सी क्यू क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि द वर्ड मीन्स शब्द ड्विडलिंग मीन्स बिकमिंग ड्विंटलिंग का मतलब क्या होता है अब यहाँ ड्विंटलिंग देखिए ड्विंडलिंग अगर हम देखें तो चैप्टर पर कहाँ आया था अगर आप फर्स्ट पेज पर पे देखेंगे तो नरेटर हमें कहती हैं माई स्टॉक ऑफ बैंडेज वॉज ड्विंडलिंग विथ एन अलार्मिंग रेट मतलब जब उनकी बैंडेज स्टॉक कम हो रही थी तब वो बताती हैं कि बहुत ही अलार्मिंग साइन पे मेरी जो स्टॉक थी वो कम हो रही थी सो हियर वी कैन से दैट द ड्विंडलिंग मीन्स कम होना तो कम होने का सिनोनिम्स कौन कौन सा है चारों ऑप्शन में से फर्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे सेकेंड वन इज़ डिक्रीजिंग राइट डिक्रीजिंग मीन्स कम होना ये ऑप्शन एक हो सकता है थर्ड वन इज़ रेयर बहुत कम इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सो परफेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो कौन सा है बी सो फर्स्ट का ऑप्शन आप लगा सकते हैं फर्स्ट ड्विंडलिंग मीन्स बिकमिंग डिक्रीजिंग डेक्लाइनिंग कोई भी चीज़ें अगर कम होती है तो उसे हम कहते हैं डेक्लाइजिंग डेक्लाइन होना डिक्रीज होना और ड्विंडल होना नाउ लेट्स मूव टूअर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नरेटर न्यू दैट द रिक्वेस्ट वॉज अब नरेटर नरेटर यहाँ कौन है नरेटर राइटर खुद ही है नरेटर मतलब जो लिख रहे हैं इस स्टोरी को कि इन्होंने लिखी है यूलिया ड्रूनी नानवी सो क्या द, जो यूलिया थी क्या उनको लगता है न्यू मतलब क्या उनको पता था कि जो जो रिक्वेस्ट है हमने देखा कि ओल्ड वुमेन एक आती हैं उनके पास में वो रिक्वेस्ट करती है, हैं उनको ट्रीट करने के लिए वाइल उनके पास बहुत शॉर्टेज थी बैंडेजेस की सो इस टाइम पे I did not think, kaha ka, I did not think the old woman was making an unreasonable request. सो so, यहाँ पे वो बताई भी हुई है सेकंड चैप्टर की सेकंड पैराग्राफ आप देखिए वहाँ फर्स्ट लाइन है आई डिड नॉट थिंक द ओल्ड वुमेन वाज मेकिंग एन अनरीजनेबल मिस्टेक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट सो उनको नहीं लग रहा था कि ये कोई भी अनरीजनेबल है सो द राइट आंसर विल बी देखिए ऑप्शन आपके पास क्या दिए हुए अन रीजनेबल क्या उनको लगी थी नहीं नहीं लगी थी तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा नॉट वैलिड ये भी रॉन्ग है नॉट नीडेड इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग सो सेकेंड का राइट right आंसर होगा डी नॉट रीजनेबल नॉट रीजनेबल को आप टिक कर लीजिए द राइट आंसर इज नॉट रीजनेबल द नरेटर न्यू दैट द रिक्वेस्ट वॉज नॉट रीजनेबल नॉट रीजनेबल विल बी द राइट आंसर दैन लेट्स मूव टुअर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन द सोल्जर फेल्ट देट द नरेटर वॉज सेंसिटिव रूट हर्टलेस केयरिंग अब इसका आंसर हमने देखा था इस स्टोरी पे इसे हमने पूरा एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में किया था कि जब भी जब सोल्जर्स वहाँ आते हैं आसपास क्योंकि वो आर्मी के साथ ही थी सो तो जब सोल्जर्स उनके अराउंड आ जाते हैं तो उनको लगता है कि एक मिडिल एज सोल्जर ने उन, उनको उन्हें बीच में बोला भी था हैव यू नो हर्ट लॉस मतलब क्या तुम्हारे पास में कोई भी हर्ट नहीं है तो जिन जिस भी पर्सन के पास कोई हार्ट नहीं है जिसके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है हम उसे क्या कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं निर्दयी क्रूएल और कहते हैं हार्टलेस मतलब वो पर्सन बिना हार्ट का है जिनके पास कोई भी सेंसिटिव नहीं है फैसेंस नहीं है सेंसेशन नहीं है फीलिंग्स नहीं है उनको हम बोलते हैं हार्टलेस सो द राइट आंसर विल बी सोल्जर फेड द नरेटर वाज ऑप्शन नंबर सी हार्टलेस लेस मीन्स उनके पास में कोई भी दिल नहीं है देखिए फर्स्ट का ऑप्शन है सेंसिटिव मतलब जो बहुत सोचते हैं दूसरों के लिए रूड रूड मीन्स जो रूडी होते हैं मीन्स जो काइंड ऑफ रफ नेचर की तो नरेटर तो यहाँ रफ नेचर की थी नहीं केयरिंग भी नहीं उनको ऐसा लगता है ये नरेटर के बारे में सोल्जर्स ने पहले महसूस किया क्योंकि वो एक हिच हुई उनको एक हमने देखा था कि वो ऑल ऑफ सडन तुरंत ही वो को ट्रीट नहीं करती है वो थोड़े समय लेके क्योंकि उनके पास शॉर्टेज ऑफ बैंडेज थे इसीलिए ही द राइट थर्ड का राइट आंसर होगा आपका सी हर्ट लेस ओके द क्वेश्चन नंबर फोर द क्वेश्चन नंबर फोर इज द इंसिडेंट हैपन इन डैश सीजन ऑप्शन आर समर स्प्रिंग विंटर ऑटम अब ये किस सीजन की बात है ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ये सब जब हुआ था नरेटर के साथ में तो ये कब हुआ था सो so, पहली लाइन अगर आप चैप्टर की देखेंगे दिस हैपेंड इन द ऑटम ऑफ 1944 सो इट इज रिटर्न इन योर बुक दिस ऑटम सो कौन से मंथ पे हुआ, कौन से सीजन पे हुआ था ये ऑटम व्हाट इज ऑटम ऑटम कौन सा थर्ड सीजन होता है ये ईयर का जैसा आपको पता है इन हिंदी वी कॉल इट शरद ऋतु और पतझड़ ऋतु ओके ड्यूरिंग दिस सीज इट इज बिटवीन द विंटर एंड समर सो कब हुआ था ये राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फोर्थ का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी ऑटम लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन इज द नर्स वाज रिलक्टेंट टू ट्रीट द हैंड बिकॉज शी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंगली या अनिच्छुक होना किसी भी काम को करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने नहीं आना इट इज कॉल्ड द अनविलिंगली रिलक्टेंट सो so, यहाँ पे पता चला हमें कि हमने देखा था कि जब वो वुमेन आती है हैंड को लेके तो वो उनको इमिडिएटली ट्रीट नहीं कर सकती हैं सो क्वेश्चन ये है कि नर्स ने नर्स ऐसा अनरिलेक्टेंट क्यों दिख रही थी क्यों वो तुरंत ही उस हैंन को ट्रीट नहीं कर पा रही थी सो so, हमें भी पता है हम, हम न, हमने स्टोरी पे ऑलरेडी देखी है सो ऑप्शनस हैं डिड नॉट वॉन्ट टू डू सो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्या ये राइट right आंसर है नो no, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी ऐसा बिल्कुल नहीं है वो चाहती थी कि उनकी हेल्प करना फेल्ट देट पेन पेन वॉज प्रिविलेज ऑफ हेमन ऐसा लग रहा था उनको कि जो पेन है वो सिर्फ ह्यूमन्स की ही प्रिविलेज हो सकती है नो वॉज शॉर्टेज ऑफ बैंडेज वॉज स्टॉप बाई शोल्डर शॉर्टेज थी उनके पास बैंडेड की या सोल्जर्स ने उनको स्टॉप करके रखा था सो द राइट आंसर विल बी एज वी नो दैट शी वॉज द शॉर्टेज ऑफ द बैंडेज सो द राइट आंसर विल बी वॉज शॉर्टेज ऑफ बैंडेजेज ओके इट विल भी ऑप्शन नंबर सी So let's move towards the this we have completed all the multiple choice questions. The next question is all about the match the following. So let's move towards the second part. So the match the following first question is you have to match karna hai, alarming. Yahan ek word here, alarming. What is the meaning of alarming? अलार्मिंग का मतलब होता है वार्निंग ऑफ डेंजर जब कभी कोई खतरा होता है कोई भी चीज़ें आपको लगता है तो आपने देखा होगा अलार्मिंग साइन अलार्मिंग सिग्नल सो अलार्म बज जाता है अलार्म रहता है सो अलार्मिंग यहाँ अलार्मिंग का क्या मतलब था आपने देखा था अलार्मिंग बैंडेजेस शॉर्टेज ऑफ बैंडेजेस नर्स को भी लगा कि ये तो बैंडेजेस खत्म हो रहे हैं सो so, अलार्मिंग का मतलब क्या हो सकता है खतरे की एहसास खत वार्निंग ऑफ डेंजर सो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी देखिए रिलेटेड टू क्या है कॉजिंग वरी क्योंकि खतरे के कारण क्या हो सकता है आपको परेशानियां हो सकती है सो द राइट आंसर ऑफ अलार्मिंग विल बी ऑप्शन फर्स्ट पे आप लिखेंगे सी कॉजिंग वरी अलार्मिंग मीन्स कॉजिंग वरी नेक्स्ट वन रैपिडली वॉट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड रैपिड इज अ वर्ड विच इज मीनिंग ऑफ इट इज एन एडजेक्टिव रैपिडली क्या है एडजेक्टिव है ये बेसिकली और इसका मतलब होता है क्विक अगर जल्दी से कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फास्ट मूविंग फास्ट एंड क्विकली तेज स्पीड में अगर कोई चीज़ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा रैपिड फायर राउंड रैपिडिटी ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे स्पीड के लिए सो so, यहाँ बहुत जल्दी अगर कोई चीज़ होती है और मीनिंग में हमें सिर्फ एक ही वर्ड दिख रहा है ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है हैपनिंग क्विकली बहुत जल्दी जल्दी अगर कोई चीज़ होती है सो so, रैपिडली रैपिडिटी मीन्स हैपनिंग क्विकली इज़ द राइट आंसर सो सेकेंड का राइट right आंसर होगा डी थर्ड वन इज ऑब्बियसली इस वर्ड्स को अक्सर हम यूज़ करते हैं जब कभी हम बोलते हैं हम बोलते हैं ऑब्बियसली ऑब्बियसली मीन्स स्पष्टता अगर कोई चीज़ क्लियरली है क्लियर है अगर आप कोई चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं तो आप उसे इसके लिए बोलते हैं ऑब्बियसली सो द ऑप्शन नंबर ई यहाँ आप देख सकते हैं ईजी टू अंडरस्टैंड और क्लियरली सो द राइट आंसर फॉर थ्री इज आंसर नंबर ई थ्री विल बी ई नेक्स्ट वन इज़ प्रिविलेज वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज फ़ायदा होना कुछ एडवांटेजेस होना सो so, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्रिविलेज सो यहाँ एक ही टर्म दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज इट इज़ द जी ऑप्शन नंबर जी क्या है स्पेशल राइट right होना हमने कहते हैं ना प्रिविलेज है इनको ये प्रिविलेज है अगर किसी को कोई स्पेशल राइट right होता है किसी भी को स्पेशल अधिकार होता है जिसके कारण वो कर सकते हैं इसे हम कहते हैं प्रिविलेज लाभ होना स्पेशल राइट सो द फोर्थ आंसर आंसर विल बी जी फोर का आंसर होगा जी कोम नेक्स्ट वन इज कॉम फिफ्थ पे देखिए दिया हुआ है कॉम सो कॉमरेड्स इस ये हम किसे कहते हैं कॉमरेड्स होते हैं वो लोग जो साथ में काम करते हैं लॉयल फ्रेंड ट्रस्टेड कैंपेनियन और एनी पर्सन विथ आपकी जो टीम होती है जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए पीपल यू वर्क विथ सो फिफ्थ का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर सिक्सथ वन इज रीप्रूविंग दैट मीन्स इफ एनी पर्सन इज स्पीकिंग हार्शली वर्ड्स टू एनी पर्सन सो हियर इज री प्रूविंग मीन्स अगर कोई चीज़ अप्रूव नहीं हो पाती है रीप्रूविंग सो इट इज़ द थिंग्स दैट यू डू नॉट अप्रूव इट इज़ द आई सो सिक्स का ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा आई विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट वन इज़ कंडमनेशन वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडमनेशन कंडमिनेशन भी का मतलब होता है कि बहुत ही अगर कभी भी सेव विथ अनफिट जो कोई ऐसी चीज़ें बोलना जो सही नहीं हो किसी की आलोचना करना मीन्स क्रिटिसाइज करना एंड सो दिस विल बी द वेरी स्ट्रांग डिसप्रूवल अगर कोई बहुत ही स्ट्रोंग डिसअप्रूवल देते हैं किसी को बहुत ही गलत तरीके से स्ट्रांगली किसी को मना करते हैं तो हम बोलते हैं कंडमनेशन सो द राइट आंसर विल बी एच सेवन का आप लिख सकते हैं एच एर्ट्थ वन विल बी सजेस्टेड ये देखिए मोस्ट कॉमन वर्ड है हम लोग हमेशा यही वर्ड यूज़ करते हैं सजेस्ट करना इट मीन्स किसी को किसी के इस चीज़ के बारे में आइडिया देना किसी को प्लान बताना सजेस्ट करना रिकमेंडेशन सो द राइट आंसर विल बी एट्थ का राइट right आंसर होगा एफ़ टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और अ प्लान किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना जैसे सजेस्टेड वीडियोज आपने देखा होगा सजेस्टेड थिंग्स सजेस्टेड ये सजेस्टेड है मतलब किसी ने इसी का सुझाव दिया है सो द राइट आंसर विल बी टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और अ प्लान एफ आप एट्थ का एफ लिख सकते हैं नाइन्थ वन विल विल बी पर्स्ड सो so, पर्स्ड की अगर हम मीनिंग देखेंगे सो so डिक्शनरी पे ये मिल मिलती है कि प्योरीफाई खुद को प्योरीफाई करना किसी भी चीज़ से किस किसे सिंस से पापों से गलत चीज़ों से खुद को प्योरीफाई करना यहाँ जो वर्ड होगा रिमूवल मीन्स अलग करना सो परस्ड मीन्स रिमूव्ड पर्स्ड मीन्स रिमूव्ड द लास्ट वन विल बी ऑकवर्ड एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते जब आप ईज़ फील नहीं करते सो द ऑकवर्ड विल बी द नॉट कंफर्टेबल सो टेंथ का राइट right ऑप्शन हुआ बी सो दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइजेज मेन एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो राइट हज कमेंट इफ़ यू वॉन्ट एनी अगर आपको कहीं पर भी इशूज हैं क्वेश्चन आंसर्स पे या किसी चैप्टर पे सो so आप हमें राइट कर सकते हैं साइंस मैथ्स एनी सब्जेक्ट Okay, thank you for listeners. Thank you.